अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज नाउ गोइंग टू एंड एज वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज में देखा कि सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इज देयर एनी पॉसिबल सोल्यूशन आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमसे कहा जा रहा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर्स। एरिया किसी रेक्टेंगुलर पार्क का 400 स्क्वायर मीटर्स है एंड इट इज़ पेरीमीटर दैट इज़ 80 मीटर्स। तो क्या ये पॉसिबल है? तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि लेट ब्रेथ या लेंथ, पहले हम डायरेक्टली जो है ना, चलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये हम लेते हैं एक्स मीटर्स, ठीक है ना, और ब्रेथ जो है ना दैट इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये लेते हैं वाई मीटर्स। तो इस हिसाब से जो पेरीमीटर है दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, दैट इज गिवन एज 80। इस हिसाब से एक्स प्लस वाई विल बी 80 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 40। तो ये एक कंडीशन हमारे पास आ गई कि एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखना चाहें या वाई का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, वाई वाई विल बी इक्वल टू 40 माइनस एक्स, मीन्स ब्रेथ विल बी इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो लेंथ जो है ना वो हमने ली है एज एक्स मीटर्स। तो ये हमें एक सिचुएशन यहाँ पे मिल गई 40 माइनस एक्स मीटर्स। अब जो दूसरी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, अकॉर्डिंग टू दैट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क मस्ट बी 400 मीटर्स स्क्वायर इफ वी वॉन्ट टू डिजाइन इट, देन वी हैव टू फाइंड इट इज लेंथ एंड ब्रेथ इफ इट इज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम देखें कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ जो है ना दैट इज एक्स मीटर्स, मीन्स एरिया कितना होगा फिर, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ दैट इज एक्स into breadth that is 40 minus x। तो ये हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मिल जाएगा और वो गिवन दैट इज इक्वल टू 400। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 400 मीटर्स। तो हम पहले देखेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, 40 into x that is 40x, x into minus x that is minus x square is equal to 400। तो जो हमारे लेफ्ट साइड में टर्म्स हैं इनको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x विल बिकम माइनस 40x, एंड ऑन द राइट साइड since we haven't moved this term it will remain in its original sign that is positive and all of them will sum equal will sum to zero। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रही है जिसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 40 है और c का वैल्यू है 400। तो अगर हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फिर क्या होगा इसका, That will be, d will be b square minus 4ac। अगर हमें discriminant 0 या कोई positive number आता है then we will have any solution for this condition, for this equation। अगर less than 0 आता है तब तो फिर ये possible ही नहीं, possibility ही नहीं। Means that will be equal to b square, that is minus 40 square, minus 4 into a, a is 1 into c, c is 400। तो d का वैल्यू क्या होगा, 4 4s are 16,
और दो जीरो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, माइनस फोर वन इज आर फोर, फोर फोर इज आर सिक्सटीन, और साथ में दो जीरो, 1600 माइनस 1600 दैट इज जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ पे पता चला दैट इज जीरो। तो सबसे पहले हमें ये देखना, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन सच ए पार्क, लेकिन अब हमें देखना है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें फिर एक्स का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। सो एक्स विल बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई टू ए, सॉरी माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए, जो कि प्लस माइनस अंडर रूट डी जो है ना वो दैट इज जीरो। तो जब ऐसी कोई कंडीशन होगी व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, द फॉर्मूला इज रिस्ट्रिक्टेड टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए। तो एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस बी का वैल्यू दैट इज 40, माइनस 40 डिवाइडेड बाई टू ए, टू इंटू वन। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 40 डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल टू 20। तो एक्स अगर हम लें, पहले हमने कितना लिया था एक्स, दैट वॉज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दैट इज एक्स मीटर्स माइनस 20 मीटर्स। ओके, इसी तरह से जो ब्रेथ ऑफ द पार्क है, ब्रेथ ऑफ द पार्क, तो वो हमने कितना लिया था पहले, सम वाज 80 माइनस 40, तो 40 माइनस एक्स वो लिया था हमने। मीन्स ब्रेथ ऑफ द पार्क कितनी होगी फिर, 40 माइनस एक्स मीटर्स। एक्स का वैल्यू अब हमें पता चला, दैट इज 40 माइनस 20 मीटर्स, मीन्स ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 20 मीटर्स। तो इस पार्क में लेंथ भी जो है ना दैट इज 20 मीटर्स, और ब्रेथ भी जो है ना दैट इज 20 मीटर्स, मीन्स इट इज ए स्क्वेयर पार्क। जहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ बराबर होते हैं तो दैट इज ए स्क्वेयर, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ये भी 20 मीटर्स है, ये भी 20 मीटर्स है, इसका मतलब है कि इसका अपोजिट साइड भी 20 मीटर्स होगा और ये अपोजिट साइड भी 20 मीटर्स होगा। इट विल बी ए स्क्वेयर पार्क इनफैक्ट।